हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दानिश अख्तर और आप लोग देख रहे हैं दैनिश क्रिएशन। एडोब एक्सडी ऐप डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग एक्सडी इंटरफेस। आज हम एक्सडी के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एक्सडी को, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर, तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो ऊपर वाले जो पैनल्स होता है इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार। यहाँ आपको फाइल पे जाएंगे आप तो आपको न्यू, ओपन, ओपन फ्रॉम योर कंप्यूटर, ये सारे आपको यहाँ पे मेन्यू मिलेंगे। देन एडिट, कॉपी, पे, सेलेक्ट, ये सारे आपको यहाँ मिलेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास हैं सारे ग्रुप, अन ग्रुप, हाइड, पाथ, अरेंज, ट्रांसफॉर्म। देन प्लगइन्स के अंदर आपको जो जो प्लगइन्स होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और मैनेज कर सकते हैं वो प्लगइन्स को। व्यू के अंदर आपके पास जूम इन है, जूम आउट है, परसेंटेज है, आपको 100% करना है, 2% करना है, ये सब मैनेज कर सकते हैं। विंडोज़ है हमारी और हेल्प है। उसके बाद ये हमारा आता है टूल बार, जिसमें हमारे पास सेलेक्ट टूल है, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, लाइन, पेन टूल, टेक्स्ट, आर्टबोर्ड एंड जूम। यहाँ आपको तीन टैब दिख रहे हैं। पहला टैब है डिज़ाइन, दूसरा टैब है प्रोटोटाइप एंड तीसरा है शेयर। जब भी आप कुछ ऐप बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे या मोबाइल ऐप बनाएंगे तो आप लोग डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे या बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट होता है और हम लोग यहाँ पे अपना कोई भी आर्ट बोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी आर्ट बोर्ड पर क्लिक किया यहाँ से और एक आर्ट बोर्ड बना लिया मैंने, तो मैंने वापस कंट्रोल सी कंट्रोल से उसको कॉपी किए बहुत सारे आर्ट बोर्ड, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से मैं जूम कर सकता हूँ और ये मैं इसको कॉपी कर लिया। तो जो भी मेरे आर्टबोर्ड्स हैं वो यहाँ पे इस एरिया में आएंगे। जब मैं क्लिक करूँगा प्रोटोटाइपिंग पे तो इनको मैं एनिमेट कर सकता हूँ, एक दूसरे कनेक्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस दिस सैम्पल। तो ये मेरा प्रोटोटाइप है। ये विंडो होती है शेयर के लिए। अगर आपको किसी के साथ को शेयर करना है तो आप मतलब शेयर कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, क्रिएट लिंक करके। ये विंडो तो शेयरिंग के लिए, यहाँ से आप किसी भी अपने डिज़ाइन को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। वापस जाते हैं डिज़ाइन में। पहला जो हमारा पैनल है, इस पैनल को बोलते हैं एसेट्स। आपकी इमेजेस हैं, आपके कलर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सब यहाँ डिस्प्ले करेंगे हम जो भी हम बनाएंगे। ये आपकी लेयर्स है, आपके आर्ट बोर्ड पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब यहाँ डिस्प्ले करेंगे, चाहे वो कोई शेप हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, वो सब हमारा यहाँ डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये हमारा है प्लगइन्स, जो भी आपके प्लगइन इंस्टॉल्स हैं वो आपके यहाँ डिस्प्ले होंगे। आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ से प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं एडोब एक्सडी के लिए। ये हमारा प्रॉपर्टीज पैनल है, ये हमारा प्रॉपर्टीज पैनल है। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आती हैं, ये देखें। ये आपका जूम परसेंटेज है, आप कंट्रोल प्लस माइनस से भी कर सकते हो। ये आपका प्ले है, जब हम कोई प्रोटोटाइप बनाएंगे तो उसको कैसे प्ले करेंगे। देन अगर आपको मोबाइल पर लाइव प्रीव्यू देखना हो तो आप यूएसबी से कनेक्ट करके उसको प्रीव्यू देख सकते हैं। अगेन दिस इज द सेम शेयरिंग। तो ये बेसिक इंटरफेस था हमारा एडोब एक्सडी का। इन सबको हम एक एक करके डिटेलिंग में सीखेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।